अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसे शख्स के खिलाफ सब लोग, सब करप्ट माफिया इकट्ठे हो गए हैं और उसका मास्टरमाइंड है आसिफ अली जरदारी, और वो क्या हरबे इख्तियार कर रहे हैं कि किस तरह हम या तो माइनस इमरान खान फार्मूले पर अमल करके पीटीआई की हुकूमत रहे लेकिन इमरान खान ना रहे। जब यहाँ से वो नाकाम हुए तो अब वो हर सूरत में तहरीक अदम इतमाद कामयाब बनाना चाह रहे हैं। और मैं ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आ चुकी है, सोशल मीडिया पे अभी इतना एक आध लोगों ने किया, लेकिन मैं आपको इनकी मैंटेलिटी बता रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इसके मास्टर माइंड जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं, और जोखियो कत्ल केस, नाजिम जोखियो या निज़ाम जोखियो जो भी है, उसका जो मुलजिम है जाम अब्दुल करीम, वो दुबई फरार हो गया था, उसे प्लानिंग के तहत वापस बुलाया गया है ताकि उस कातिल का वोट भी शामिल किया जाए। पहले भी कत्ल के मुलजमान तो शामिल हैं इमरान खान के खिलाफ वोट देने वालों में, लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि जाम अब्दुल करीम को बुलाया गया है, उसे कहा गया है कि आपको गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो हुकूमत तो हमारी आ जाएगी, आपको छुड़वा लिया जाएगा। नाज़रीन, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।